बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 12 मई 2020 18 रमज़ान और कोविड का 77वां दिन है। मैं आज हमने 4064 टेस्ट किए हैं, कल तक 95,053 टेस्ट किए थे। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद आज तक 99,117 है। कल तक 12,017 इन्फेक्टेड लोग थे इस कोरोना वायरस से। पिछले 24 घंटों में जो हमने 4064 टेस्ट किए हैं उसमें 593 अफराद मज़ीद इस वायरस से अफेक्ट हुए हैं। ये आज के दिन के लिए 14.6% है। और जब से हमने टेस्टिंग शुरू की और 26 फरवरी से जब से पहला केस आया था, 12,610 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, जो कि टोटल टेस्ट की तादाद का 12.7% है। पिछले 24 घंटों में 80 लोग इस वबा से उनको जो है क्योर हुए हैं। इस तरीके से टोटल क्योर होने वालों की तादाद 2,229 हो गई है। ये 17.7% हैं। पिछले 24 घंटों में 18 अफराद इस वबा से जान गंवा बैठे हैं। ये जब से ये वायरस आया है, पहली डेथ जो हमारी 19 मार्च को हुई थी, उससे आज तक 12 मई को 18 अफराद जो हैं जो जिनकी वफात हुई है, 24 घंटे में सिंध सूबे में सबसे ज़्यादा नंबर है। इस तरीके से टोटल वफात पाने वालों की तादाद 218 हो गई है। हमारे पास 10,163 पेशेंट अभी हैं अंडर ट्रीटमेंट, जिसमें 8,668 होम आइसोलेशन में हैं, 915 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में, 580 अस्पतालों में हैं, जिनमें से 82 क्रिटिकल केयर में हैं और 82 में से 27 लोग वेंटिलेटर पे हैं।